बहुत उतराव चढ़ाव कट्ठे देखे है ता जाके और रिश्ता गूढ़ा होया है। तो जदों जब तक तुसी चीज़ों नू गो थ्रू नहीं करते लाइफ च उद तक और रिलेशनशिप स्ट्रोंग नहीं बनता। चारे सर नाल गल कर रहे थे, कहिंदे भी मैनू तो 8 साल की ट्रेनिंग है, इदा फिल्म च डायलॉग आंदा भी साडे नहीं सॉरी कहिंदे, कहिंदे हमेशा मैं ही पहला कहना है, इस च किन्नी की सच्चाई है? इस च एक्चुअली बड़ी सच्चाई हैगी है, क्योंकि लगते भावें वह गुस्से वाले होंगे हैगी मैं ज़्यादा ते ओ कहानी नू खत्म करन लई मिंट च कह देंदे कि चल चल सॉरी। मैनू ए अदाकारी दी इन्नी खासियत लगती है कि बंदे दी रूह सोहनी हो जाती है। तुसी चीज़ नू लाइफ नू ना चंगी तरह महसूस करते हो, सुपरफिशियल लाइफ नहीं जींदे। तुहानू की लगता है कि एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप दे लई केड़ी केड़ी चीज़ां ने जिहड़ियां बहुत जरूरी होंदियां ने? बस इन्नी छोटी जी चीज़ है, तुसी अगले दी सुन लो, अपनी भी सुना लो, है ना, मन च गल्लां ना रखो। ईजी हो जाता है कि मैं कह दाँ कि मैंने इस गल ते खिज चढ़ी, अगला कह दे कि मैंने ये गल बुरी लगी तो आप सुधार लेंगे। बहुत सिंपल जा लॉजिक है, और कुछ नहीं चाहिए मैरिज। मैं जा रहे लिए सिर्फ इन्नी एक छोटी जी गल कहना चाहूँगी कि तुम घर वापस आ गए हो तो जरूर इतने ही रहो, है तुहाडा घर है। जैसमिन बब्बर मैम मौजूद ने, गलबात करेंगे। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, कैसे हो? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किदा लगी है सीरीज वैसे? मैं बहुत इंजॉय की फिल्म, मैं जेनुइनली एज एन ऑडियंस बहुत वधिया लग्या। काफ़ी टाइम बाद एक फ्रैश कॉन्सैप्ट देखने को मिले, जो सेम वो रोमांटिक स्टोरीज बारे नहीं गल कर रहा पर रिश्तों बारे गल कर रहे हैं। सो फेवरेट सीन या डायलॉग जिन्होंने तुम हाले भी याद करके हंस रहे हो? मैं तो अनीता जी और अदीप जी की केमिस्ट्री देख के बहुत हसदी हाँ, तो साढ़े घर का जोक बन गया कि जो चाची चाची कहते रहते तो मैं आ रहा एक दूजे को छेड़न लग गए वो। सो वो मेरे नाल बहुत रह गया। अच्छा, आर एस नाल गल कर रहे थे, कहिंदे भी मैनू तो 8 साल की ट्रेनिंग है, इदा फिल्म च डायलॉग आता भी साढ़े नहीं सॉरी कहते, कहते हमेशा मैं ही पहला कहना है, इस कि सच्चाई है? इस च एक्चुअली बड़ी सच्चाई हैगी है, क्योंकि लगते भावें वो गुस्से वाले होंगे हैगी मैं ज़्यादा ते ओ कहानी नू खत्म करन लई मिंट च कह देंदे कि चल चल सॉरी, नहीं तो 2 दिन लंघ जाने। बिल्कुल, मैनू लगता है भी है ना आप सोचते होंगे भी छेती कॉन्फ्लिक्ट खत्म कर लेने चाहिए, क्योंकि नोक चोक तो छोटी मोटी चलती रहती है ना। सो तुहानू की लगता है कि एक सक्सैसफुल रिलेशनशिप के लिए कि चीज़ा ने जिहड़ियां बहुत जरूरी होंदिया ने? बस इन्नी छोटी जी चीज़ है, तुसी अगले दी सुन लो, अपनी भी सुना लो, है ना, मन च गल्लां ना रखो। ईजी हो जाता है कि मैं कह दाँ कि मैंने इस गल ते खिज चढ़ी, अगला कह दे कि मैंने ये गल बुरी लगी तो आप सुधार लेंगे। बहुत सिंपल जा लॉजिक है, और कुछ नहीं चाहिए मैरिज। अच्छा, सोशल मीडिया से भी केमिस्ट्री देखी थी असं, है ना, वीडियोज़ अपलोड करते रहने वो, तो ऑब्वियसली बहुत सारे कॉमेंट्स इदा के भी होंगे ने भी कपल गोल्स सैट करते हो, उन्होंने की कहना चाहोगे जिहड़े तुहानू देख के इंस्पायर होंगे ने, तुहाडी जोड़ी नू देख के इंस्पायर? मैं सिर्फ इन्ना कहना चाहवागी कि पेशेंस रखो, है ना, असी बहुत उतराव चढ़ाव कट्ठे देखे है ता जाके और रिश्ता गूढ़ा होया। तो जदों जब तक तुसी चीज़ों नू गो थ्रू नहीं करते लाइफ च उद तक और रिलेशनशिप स्ट्रोंग नहीं बनता। मैं बस पेशेंस पेशेंस इज द की। बीइंग इन दिस इंडस्ट्री असी सुनीदा है कि जिहड़े इस इंडस्ट्री के लोग होंगे ने स्पेशली एक्टर्स होंगे ने, चाहे उन्होंने शड्यूल जो उन्होंने कोले काम होंदा है तो बहुत ज़्यादा शड्यूल बिजी हो जाता तो वो फैमिली नू टाइम नहीं दे सकते, राइट? तो जो उन्होंने कोले काम नहीं होंदा तो कितने ना कितने एक बंदे दे माइंडसैट दे विच भी चल रहा होंदा कि आई डोंट नो कि मेरे कोल काम क्यों नहीं आ, जां मतलब उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। तो एक अदाकार दी वाइफ होना या एक अदाकारा दा हसबेंड होना ये सब तो टफ रिलेशनशिप होंदी है ना निभाउण वास्ते। की लगता है कि केड़ी चीज़ है जिन्हें होल्ड ऑन करन दी लाइक पेशेंस दिती हुई है, एंड मोस्ट ब्यूटीफुल चीज़ की होंदी है एक अदाकार दे नाल व्याह करा? मैनू अदाकारी दी इन्नी खासियत लगती है कि बंदे दी रूह सोहनी हो जाती है। तुसी चीज़ नू लाइफ नू ना चंगी तरह महसूस करते हो, सुपरफिशियल लाइफ नहीं जींदे, तो वो एक्चुअली बहुत हेल्प करता है, क्योंकि उन्होंने ये गल रियलाइज होंगी है कि मैं किमें फील कर रही हो सकती हाँ, तो मैं रियलाइज़ होंगी है कि वह किमें फील कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि काम के प्रैशर हर इंडस्ट्री च है। बट जे असी सिमिलर कितने फील्ड आ जाइए तो एक दूजे की प्रॉब्लम्स नू समझ लीए, वो लाइफ नू ना एक्चुअली बहुत ईजी कर देंदी है, एंड दैट हम्बल्स यू डाउन, है ना, आसमान तो नहीं चढ़िया रहता तुहाडा दिमाग कि लाइफ हम्बल कर देंदी है कि अज हैगा तो कल नहीं भी हो सकता, पर जो आएगा रब ने मेरे ਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੋਰਨੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਟ
ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਂਬੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਯੂ ਹੈਵ ਹਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਚੁੱਪ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੋ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਲਿਟਰਲੀ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਮੰਮਾ ਅੱਜ ਆ ਰਿਹਾ ਬੱਬਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੈ ਲਾਈਕ ਅੱਜ ਲਾਈਮ ਲਾਈਟ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆ ਹਨਾ ਅੱਜ ਆ ਰਿਹਾ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਜੈਸਮਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆ ਰਿਹਾ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਦੈਟਸ ਅ ਬਿਗ ਥਿੰਗ ਥੈਂਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ